आप लोग बात करते हैं कोई भाव लगातार ऐसे तरीके से आगे का क्या कार्यक्रम है, कहां पर लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे अपने इस बिल्कुल बहादुर रणबांकुरे का, देश के पहले से। जब हम बात करते हैं हमारे जवानों की, जब हम ये देखते हैं कि हमारे जवान इस तरीके से देश पर अपने प्राण बलिदान करते हैं, जो है देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देशवासियों की ओर से इन रालों में कहा जा रहा है कि जो कुछ उन्होंने किया, एक नींव इस बड़े काम की उन्होंने निर्धारित कर दी। राष्ट्रनायक बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। में लिपटा इनका पार्थिव शरीर देशवासियों की आंखों में अश्रु तुला रहा है, लेकिन साथ ही ये समझे कि वो आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी। आपने अभी एक नाम दिया जनरल बिपिन रावत, ने का भी आह्वान कर रहा है कि देशभक्ति के लिए जियो, देश के लिए जियो, देशभक्ति के जज्बे के साथ जियो। और इसी संदेश को आज हम सब के लिए जरूरी है आत्मसात करना। ये ऐसे क्षण हैं, ये ऐसे पल देश की ओर से इन सबको, सभी वीर सपूतों को, इन शूरवीरों को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। तिरंगे में लिपटे हुए ये पार्थिव शरीर, भावुक क्षण, भावुक एहसास सबके रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो बहुत करीबी तरीके से जीवन में जनरल बिपिन रावत ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, हर स्तर पर आईएमए से पास आउट होने के बाद और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद तक पहुंचने तक, भारत माता की,